सो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और मेरी न्यू वीडियो में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में है खजूरी खास का गवर्नमेंट बॉयज गर्ल स्कूल और उसी के सामने दोस्तों ये देखिए इस जगह अब दोस्तों फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर गर्डर्स को फिक्स करने का काम हो गया था, अब दोस्तों इस जगह फ्लोरिंग के लिए सपोर्ट लगाने का काम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों अभी इस तरफ गर्डर्स फिक्स हो गए हैं और इस तरफ भी दोस्तों गर्डर्स को फिक्स करने का काम डन हो चुका है और यहाँ पर अभी चल रहा है फ्लोरिंग का काम। तो दोस्तों यहाँ पर स्टील गेज का काम चल रहा है, जो दोस्तों यहाँ पर शटरिंग का काम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरफ एंड हो जाएगा आपका जो पिलर के ऊपर आ रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे गांधीनगर से बनता हुआ दोस्तों यहाँ पर जो आ रहा है उसका यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद पावी तक दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला है DDE। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी फ्लोरिंग के लिए सपोर्ट लगा दी गई है और इस तरफ दोस्तों अभी ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है और रोड को और चौड़ा किया जा रहा है। तो जो दोस्तों लास्ट टाइम यहाँ पर नहीं हुआ था अब उस काम को यहाँ पर किया जा रहा है और ये देखिए इस तरफ भी काम चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम का। तो दोस्तों इस जगह CRPF कैम्प की वॉल को बनाया जा रहा है। तो देखिए काफ़ी सारी वॉल का काम यहाँ पर हो गया है। लेफ्ट साइड में दोस्तों सब ग्रेड की लेयर का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है और अभी राइट साइड में दोस्तों यहाँ पर रोड बनाना बाकी है। जो एक्सप्रेसवे का यहाँ पर रोड बनाया जाएगा वो अभी नहीं बनाया हुआ है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे दोस्तों ये जो एरिया है ये CRPF कैम्प का है। तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है सब ग्रेड का और जो CRPF कैम्प की वॉल थी उसको बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर साइड वॉल का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पर साइड पैनल लगाने का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे साइड पैनल रखे हुए हैं, तो एक लंबे स्ट्रेच में दोस्तों यहाँ पर साइड वॉल का काम कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये वाला एरिया है दोस्तों दिल्ली पुलिस का और आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था यहाँ पर पिलर के ऊपर गर्डर्स को फिक्स करने का काम डन हो चुका था। अब दोस्तों यहाँ पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट होने वाला है, इस जगह सपोर्ट लगाई जा रही है फ्लोरिंग के लिए। उससे आगे दोस्तों ये वाला जो स्ट्रेच है थोड़ा सा यहाँ पर अभी साइड वॉल लगाई जाएगी और यहाँ से आगे काफ़ी लंबे स्ट्रेच में एक साइड वॉल का काम डन हो चुका है। तो अभी दोस्तों काफ़ी ऊपर तक यहाँ पर साइड वॉल लगाई जाएगी बिकॉज़ यहाँ पर है व्हीकल अंडर पास। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये साइड वॉल लगाई जा रही है और साथ के साथ यहाँ पर मिट्टी की लेवलिंग का काम भी किया जा रहा है। तो इस जगह दोस्तों राइट साइड में आप देखेंगे तो जो वॉल है उसके ऊपर फिक्स पैनल जो है साइड पैनल जो उसके लगाने का काम डन हो चुका है। तो इस जगह ये देखिए यहाँ पर सर्विस रोड का काम भी काफ़ी पहले कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम का काम भी काफ़ी पहले कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से आगे दोस्तों अभी जो साइड पैनल है उसके अंदर कॉन्क्रीट मिक्सचर डालकर उसको तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों एक और व्हीकल अंडर पास। तो ये एरिया है दोस्तों करावल नगर का, तो यहाँ पर भी दोस्तों फ्लोरिंग का काम अब स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये वाले जो पिलर हैं इनके ऊपर गर्डर्स को रख दिया गया है, अब दोस्तों यहाँ पर फ्लोरिंग के लिए सपोर्ट को लगाया जा रहा है और काफ़ी ऊपर तक दोस्तों यहाँ पर साइड वॉल का काम डन हो चुका है। इस जगह भी दोस्तों साइड पैनल को फिक्स करने का काम स्टार्ट हो गया है और काफ़ी जगह ये देखेंगे आप एक लंबे स्ट्रेच में साइड पैनल का काम डन हो गया है।
तो ये वाला एरिया दोस्तों चमन विहार का राइट साइड में है अंकुर विहार। तो लेफ्ट साइड का मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी को डाला हुआ है। तो यहाँ पर अभी मिट्टी की लेवलिंग की जाएगी। इस वाले रोड को दोस्तों अभी और चौड़ा किया जाएगा यहाँ से लेफ्ट साइड में, और उससे आगे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी डाली हुई है। तो ये सर्विस रोड रहेगी यहाँ पर नीचे की तरफ। इस जगह दोस्तों ये देखिए पाइप वाले ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर सर्विस रोड के लिए एक लेवलिंग हो चुकी है मिट्टी की। तो यहाँ पर दोस्तों डबल पाइप डाले जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो उसी का काम दोस्तों यहाँ पर अभी चल रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे ये देखिए जो ये वाला जो सामने वाला रोड दोस्तों खोला हुआ था, अब इसको बंद कर दिया गया है जो लोकल ट्रैफिक है उसके लिए। राइट साइड वाला दोस्तों ये लेन कंप्लीट हो चुकी है, अब उसी को ओपन कर दिया गया है। मैं आपको इसी से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में भी सर्विस रोड का काम होना बाकी है, और यहाँ पर दोस्तों डबल लेयर बिछा दी गई है ब्लैक टॉप की। तो ये दोनों साइड का रोड अब दोस्तों ये तैयार हो गया है, DDE का जो 6 लेन का बनाया गया है वो। यहाँ से लेके दोस्तों सवापुर से जस्ट थोड़ा सा पहले ही ये दोनों साइड का जो लेन का काम है 6 लेन का एक्सप्रेसवे का, वो कंप्लीट कर दिया गया है ब्लैक टॉप डाल के, और बीच में दोस्तों डिवाइडर भी बना दिया गया है। तो दोस्तों लास्ट टाइम यहाँ अंडरपास का काम बचा हुआ था, तो यहाँ पर है दोस्तों व्हीकल अंडरपास, अब उसको भी कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों साइड पैनल लगा दिए गए हैं, और ये जो रोड का सब ग्रेड का काम था उसको ब्लैक टॉप डाल के कंप्लीट कर दिया गया है। तो इससे आगे दोस्तों काफ़ी लंबे पैच में यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम हो गया है। अभी लेफ्ट साइड वाली सर्विस रोड का काम बचा हुआ है, और राइट वाली सर्विस रोड दोस्तों काफ़ी पहले ही बन के तैयार हो गई थी, बट उसको अभी बंद किया गया है क्योंकि दोस्तों आगे दिल्ली यूपी बॉर्डर की साइड से आगे की तरफ अभी सर्विस रोड नहीं बनाई गई है। तो ये देखिए दोस्तों क्या मस्त रहने वाला है ये DDE। उस साइड की रोड दोस्तों अभी लोकल ट्रैफिक के लिए स्टार्ट कर दी गई है, और इस साइड वाली जो रोड है दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी तरह बन के तैयार हो चुकी है। रोड पर दोस्तों डबल लेयर का ब्लैक टॉप का काम यहाँ पर डन हो चुका है, और डिवाइडर भी दोस्तों ये देखिए बीच में बने हुए हैं। सो यहाँ से दोस्तों अभी डिवाइडर काम नहीं हुआ है, और राइट साइड में सब ग्रेड की लेयर को ही बिछाया गया है। तो इससे आगे दोस्तों अभी ब्लैक टॉप का काम यहाँ पर नहीं हुआ है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर काम चल रहा है बीच में डिवाइडर बनाने का। तो लेफ़्ट साइड में है दोस्तों सवापुर गांव, और यहां पर आप देखेंगे नीचे की तरफ साइड वॉल का काम स्टार्ट हो गया है, और यहां पर दोस्तों काम चल रहा है मिट्टी की लेवलिंग का। तो दोस्तों लोकल ट्रैफिक और एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक यहां से ही मर्ज हो जाएगा, बिकॉज यहां जो आप आगे देखेंगे व्हीकल अंडरपास जो बनाया जा रहा है, उसके बाद दोस्तों टोल रोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों साइड का जो ट्रैफिक है वो मर्ज हो जाएगा इस वाले एक्सप्रेसवे पर। तो राइट साइड में दोस्तों लोनी रोड विजय विहार, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो व्हीकल अंडरपास बनाया गया था अब उसी के ऊपर से एंट्री दे दी गई है, और दोस्तों यहाँ का सबसे लंबा व्हीकल अंडरपास ये रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर जो रोड की लेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ से ही दोस्तों टोल रोड की स्टार्टिंग हो जाती है। तो अभी और चौड़ा किया जा रहा है दोस्तों व्हीकल अंडरपास को।
देखिए दोस्तों, ये जो रोड बनाई जा रही है कॉन्क्रीट की, ये रोड बनाई जा रही है। अब यहाँ तक ये रोड बन के तैयार हो गई है और लास्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर सब ग्रेड का काम हुआ था, अब यहाँ पर कॉन्क्रीट की ये रोड बना दी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सामने आप देखेंगे तो टोल रोड का ऑफिस यहाँ पर अभी बनाया जा रहा है। 16 लेन का दोस्तों यहाँ पर ये रोड रहने वाला है। तो दोस्तों टोल रोड दोनों साइड का टोल, जो टोल ट्रैफिक होगा वो यहाँ से जाएगा, इसीलिए दोस्तों काफ़ी चौड़ा ये यहाँ पर बनाया गया है सभापुर से जस्ट थोड़ा सा आगे। सो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, एक लंबे स्ट्रेच में कॉन्क्रीट की रोड को बना दिया गया है। तो लेफ्ट साइड वाला दोस्तों कंप्लीट करने के बाद राइट साइड में भी यहाँ पर ये कॉन्क्रीट की रोड बनाई जाएगी। तो ये है दोस्तों टोल ऑफिस। तो लेफ्ट साइड का दोस्तों काम कंप्लीट हो गया है यहाँ पर इस वाली रोड को बनाने का। तो लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों, काफी ऊपर तक यहाँ पर साइड वॉल को लगा दिया गया है अब, और ये देखिए काफी ऊपर तक यहाँ पर मिट्टी की लेवलिंग को कर दिया गया है जो लास्ट टाइम यहाँ पर नहीं हुई थी। तो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों यहाँ पर काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। तो यहाँ से आगे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ से एंट्री ले सकेंगे तो दोस्तों इस एक्सप्रेसवे से आप एग्ज़िट भी ले सकेंगे। तो मैंने बताया था दोस्तों लास्ट वीडियो में, यहाँ पर आप इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्ज़िट भी ले सकेंगे। तो अगर दोस्तों आप आसपास के एरिया के रहने वाले हैं तो यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी आपको टोल रोड से पहले, और सीधा दोस्तों आप देहरादून की साइड या हरिद्वार की साइड जा पाएंगे जब ये बनके तैयार हो जाएगा। सो इस जगह दोस्तों आने के बाद यहाँ पर ये देखिए टोल रोड का एंड हो जाएगा और ये सर्विस रोड यहाँ पर आपको मिलेंगी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब ग्रेड का काम चल रहा है और आगे दोस्तों यहाँ पर आप इस एक्सप्रेसवे पे एंट्री भी ले सकेंगे और यहाँ पर एग्ज़िट का भी है दोस्तों, जो सर्विस रोड है उसके लिए अगर आप लोकल एरिया के हैं। अगर आप सीधा देहरादून जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप बीच वाली लेन में जा सकेंगे। तो उस तरफ है दोस्तों सर्विस रोड और ये जो बीच वाला पार्ट है दोस्तों एक्सप्रेसवे का, यहाँ पर आप देखिए काफ़ी एक स्ट्रेच में यहाँ पर एक डिवाइडर को ये बना दिया गया है। तो दोस्तों अभी हमें इस साइड से जाना है बिकॉज उस साइड वाली सर्विस रोड को भी बंद किया गया है, वो भी पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुई है। तो यहाँ से ही दोस्तों दोनों साइड का ट्रैफिक आएगा और ये देखिए यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है वो एक्सप्रेसवे का है। अभी मैं आपको इसके अंदर की भी क्लिप दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है दोस्तों व्हीकल अंडर पास, ये व्हीकल अंडर पास इस वाले रोड का लास्ट व्हीकल अंडर पास होगा। तो दोस्तों खजूरी खास की साइड से अगर आप आते हैं तो ये लास्ट व्हीकल अंडर पास होगा, जो फिफ्थ व्हीकल अंडर पास है। खजूरी से लेके पावी तक दोस्तों टोटल 5 व्हीकल अंडर पास बनाए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों लेफ्ट साइड वाली जो सर्विस रोड है हम उस पर जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली सर्विस रोड सबसे पहले बनके तैयार हो गई थी यहाँ पर। तो दोस्तों ये सर्विस रोड के साथ साथ आप इस एक्सप्रेसवे के अंदर की वीडियो भी देख सकेंगे। तो ये है दोस्तों इस एक्सप्रेसवे की अंदर की वीडियो जो आपको साइड में क्लिप नज़र आ रही है। तो ये दोस्तों पूरा बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम का काम यहाँ पर हो गया है और दोस्तों जो ग्राउंड फील्ड का वर्क है वो इस रैंप का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इसके आगे दोस्तों यहाँ से प्लर के ऊपर जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ईस्टर्न फेरी फेरल तक। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो प्लर है इनके ऊपर प्लर कैपिंग का काम कम्प्लीट हो गया है। स्टार्टिंग वाले जो प्लर हैं ये देखिए, ये 4 जो प्लर हैं दोस्तों ये बन के तैयार हो गए हैं। इन प्लर के दोनों साइड रहने वाली है दोस्तों सर्विस रोड और अभी दोस्तों यहाँ पर काम चल रहा है स्टील गेज का इस वाले प्लर के ऊपर और उससे आगे वाले प्लर के ऊपर। तो ये एरिया है दोस्तों पावी का।
तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो बीच में दोस्तों ये चार पिलर अभी बचे हुए हैं जिनके ऊपर पिलर कैपिंग का काम नहीं हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पर सारे पिलर के ऊपर पिलर कैपिंग का काम हो गया है या फिर चल रहा है। सो बस करता हूँ दोस्तों आज के लिए, होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों मेरी वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।